खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से 54वां प्रतीय अधिवेशन कैंसरबाग स्थित गांधी नगर सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मियों से छुड़ी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। प्राइम मेकर न्यूज चैनल के लिए खुर्शीद आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रदेश अध्यक्ष यूनियन, ये प्रांतीय अधिवेशन है, ये परंपरागत रूप से हर 2 वर्ष पर मनाया आयोजित किया जाता है। इसमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है और परिवहन निगम के और कर्मचारियों के हितों की समीक्षा होती है और वार्षिक चुनाव होते हैं। प्रदेश स्तर की पार्टी का चुनाव होता है। वर्तमान में जो समस्या है वो ये है कि न तो नियमित कर्मचारियों के देयकों का भुगतान हो रहा है, परिवहन निगम में कर्मचारी दिनों दिन घटते जा रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही है, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। 1998 तक का वादा परिवहन निगम और शासन ने किया था कि उसको 1 महीने के अंदर कर देंगे, ये कई महीने बीत गए अभी तक नहीं किया। और 35% आरक्षण संविदा कर्मचारियों के अभिलेखीय आधार पर नियमित करने की बात शासन स्तर पर तय हुई थी, वो भी नहीं पूरी हुई। और उसके विपरीत जेम पोर्टल के माध्यम से निजीकरण के रास्ते पर परिवहन निगम ने चलना शुरू कर दिया है। जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती करने का मतलब है कि जिन एजेंसियों से बहुत दिन के बाद मुक्ति मिली थी, उन एजेंसियों के चंगुल में कर्मचारियों को फिर फंसाया जा रहा है, जिससे नियमित भर्ती के रास्ते कम होंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे, जेम पोर्टल का विरोध करेंगे और संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने के लिए जो है वार्ता करेंगे, शासन से अनुरोध करेंगे और निगम को मजबूत करने के लिए हम पूरे कर्मचारियों को संदेश देंगे कि जितना ही निगम मजबूत होगा उतना ही कर्मचारी हित मजबूत होगा। यही हम लोगों का इसका उद्देश्य, ये सकारात्मक संदेश। मोहित, मोहित।